अपना नाम बताइए और कौन से ये जो तकरार है, कौन से जो आपको तकलीफ हुई है या लोगों को तकलीफ है, क्या लेके और किस बारे में मुंबई महानगर पालिका पे आज ये आपको मोर्चा निकालना पड़ा? ये जो मोर्चा है, धिक्कार मोर्चा हमने इसका नाम दिया था, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री है स्वच्छ भारत की बात तो कर रहे हैं, हर जगह सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मनपा के आयुक्त है शौचालय को तोड़ के वहाँ पे जिम बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसी एक घटना हुई है एफ सेक्टर चिता कैंप में, 6 साल पहले वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बना था और उसको तोड़ दिया गया, लोगों को आश्वासन दिया गया कि वहाँ पे हम ओपन शेड जो है खुली जगह बनाएंगे, वहाँ पे गार्डन बनाएंगे, लेकिन वो सबसे मुकरते हुए इन्होंने वहाँ पे जिम का काम चालू कर दिया, आधार कार्ड का काम चालू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने आज 20 दिन से वहाँ पे विरोध चालू किया करना, तो इन्होंने पुलिस बल लेके वहाँ पे जबरदस्ती काम चालू कराना किया, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसके बारे में जो स्थानीय लोग और हमारी संस्था ने कई बार जो है जो डीएमसी मराठे उनको मिलने की कोशिश की, उन्होंने आश्वासन दिया भी लेकिन काम नहीं रोका। उसके बाद हमने जो प्रधानमंत्री को, सीएम को और जो स्वच्छ भारत के डायरेक्टर हैं उनको लिखा कि आखिर स्वच्छ भारत का सपना कैसा पूरा होगा। ए लेटर जाने के बाद, उनको अवगत कराने के बाद सेक्रेटरी डी के जैन ने जो है अजय मेहता साहब को लेटर फॉरवर्ड किया और उस पर जरूरी एक्शन लेने के लिए कहा, और उस दिन के बाद से काम रोक दिया गया था। लेकिन काम रोकने के बाद जो एक काम चालू था उसको कैंसिल नहीं किया गया। उसके मद्देनजर हमने आज जो है आज ये मोर्चा रखा था, और हमारी लोगों की जो मांग है, साफ मांग है कि वहाँ पे खुली जगह होनी चाहिए, ताकि बड़े बुजुर्ग वहाँ पे बैठ के खुली जगह पे सांस ले सके, वहाँ पे अपने प्रोग्राम कर सके, शादी ब्याह का प्रोग्राम कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो मनपा की अधर्मी है, आखिर ये वहाँ पे बांध काम कराना क्यों चाहती है, आखिर इसमें कितना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है? अगर उसके बाद भी जवाब देने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो एक बार हम फिर बैठेंगे और उस पर फिर से कार्य करेंगे। हमारी ये मांग है, अगर मनपा आयुक्त इस पर काम नहीं करते हैं और ये काम रोकते नहीं, तो हम फिर से बड़ी मात्रा में जो है फिर से इसी तरह के विरोध प्रदर्शन करेंगे और मनपा आयुक्त का घेराव करेंगे। सर, ये जो काम किस संस्था को दिया गया था, जो शेड बनाने का काम किस संस्था के द्वारा दिया गया था? ये नहीं, इन्होंने हमको शेड बनाने का काम किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया, लेकिन काम चालू कर दिया इन्होंने जो है, जिम का चालू किया, आधार कार्ड का चेंज काम चालू किए, आधार केंद्र का जो कंपनी को काम दिया गया था पटेल इंजीनियर्स है जोगी शरीफी, उसको टेंडर अवार्ड किया गया था, और टेंडर के अंदर अवार्ड करने से पहले जो मनपा आयुक्त के तरफ से प्लान पास करा के लेना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया। टॉयलेट तोड़ने से पहले जो रिमार्क लेना चाहिए था, उन्होंने रिमार्क भी नहीं लिया। तो आखिर एक सार्वजनिक शौचालय क्या, किसी भी टॉयलेट की जब एस्टिमेट कॉस्ट बनाया जाता है, तो कम से कम 15 साल की उसकी लाइफ के हिसाब से एस्टिमेट कॉस्ट बनाया जाता है, उस तरह का वहाँ पे मटेरियल यूज किया जाता है, लेकिन उसको सिर्फ 6 सालों में तोड़ दिया गया। तो जो जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो हमारी वही मांग है कि इस तरह के जो अनियमितताओं को करते हुए शौचालय को तोड़ा गया, उसकी जाँच कराई जाए और जो संबंधित अधिकारी इसमें दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये जो आपका जो ये जो आज आपने वार्ड ऑफिसर को मिला है, वो जो आश्वासन मिला, अगर ये आश्वासन वार्ड ऑफिसर कितने दिन में पूरा नहीं करता, तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? देखिए, उसके बाद हम जो इनको फिर दिखाएंगे कि आम जनता जब अपने हाथों में अगर कानून लेगी तो क्या होता है। तो हम इससे भी बड़ा मोर्चा और आंदोलन करेंगे और पूरी तरह से घेराव करेंगे, वार्ड ऑफिसर को मजबूरन हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। मैडम, अपना नाम बताइए, आज क्या कारण था कि इस पे आपको मोर्चा हमीरपुर विभाग में निकालना पड़ा? मेरा नाम तरन्नुम है। हम आई सेक्टर के जो भी लोग हैं यहाँ पर, उनको सब बहुत प्रॉब्लम होती है, गलियाँ वहाँ की बहुत छोटी छोटी है, और वहाँ पर खेलने के लिए और बड़े बुजुर्गों को बैठने के लिए कोई जगह का वो इंतजाम नहीं है। तो हम लोग सब चाहते हैं कि वहाँ पर ओपन शेड डाल के सब बुड्ढों को, बच्चों को खेलने की जगह, और गर्मी बहुत होती है उसकी वजह से हम लोग वहाँ पर ओपन शेड चाहते हैं। पर ये लोग कह रहे हैं उधर महिला आधार केंद्र करेंगे और जिम बनाएंगे। जिम की तो 100 रास्ता चलेंगे तो जिम आ जाएगा, और म्यूनसिपालिटी इतनी स्कूल है वहाँ पर महिला आधार केंद्र ये बना सकते हैं, पर ये चाहते हैं कि वही जगह पे बनाएंगे। कुछ नगर सेविका के पास भी हम लोग सब गए थे, वो भी हमारी कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर जो ऑफिसर है बेंद्रे सर, उनके पास भी हम लोगों ने बात रखी है, वो भी कुछ हमारी बातें नहीं सुन रहे। वो बोल रहे जो बनना है वो बन के ही रहेगा, आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, जो बनाना हमको जो पास किया है वही। उन्होंने संडे के दिन भी उन लोगों ने प्लस काम किया है, संडे के दिन जब भी बीएमसी की छुट्टी होती है। तो मैं नगर सेविका से कहना चाहूंगी, अगर उनकी जेब भर गई हो, पैसे कमा लिए हो, तो थोड़ा हमारी जनता की तरफ भी देख ले।
अगर पैसे कम हो गए होंगे उनके पूरे, जनता की तकलीफें अगर देखना उनको वो है तो आगे जनता की तकलीफें देखेंगे। मतलब आपकी जो नगर सेविका है उनका नाम क्या है, मतलब वो आपने जो जनता ने इनको चुन के दिया है जनता की तरफ उनको ध्यान नहीं है क्या? उनका नाम है दुर्गा तारी, तो वो जब से जीती है शायद हमारे चीता के में वो दम ही से आई हुई, हमारे चीता के में तो आज तक उन्होंने कदम ही नहीं रखा है। हम लोग जब भी उनके पास नाले का कचरे का पानी का प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उनका हस्बैंड है ना जो, वो बोलते हैं कि हमारा फंड पास नहीं हुआ, फंड पास होगा तो ही हम काम कर सकते हैं, यानी फंड के फंड पास होते होते ही आप काम करोगे, आप ऐसे नगर सेवक बन जाते हो। जब तक आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप नगर सेवक कैसे बन जाओ, आप अपने जेब से खर्चा करने की जब तक ताकत नहीं रखते हो तो नगर सेवक आप कहाँ से बनोगे? मतलब जो आपकी नगर सेविका तारी मैडम है आपकी जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती और कोई काम नहीं करती? हमारी जो नगर सेविका है वो सिर्फ अपने लोग पे ध्यान देती है, जो हम लोग की चम्मच है जो हिलते है ना चम्मच, जैसे कि अकील, मैं नाम बोल के बोलूंगी, अकील है और एक प्रयास करके है, जिसको ये दो चमचों की वजह से नगर सेविका इतना हमसे लड़ रही है। दो इंसान के, दो जन के जो जिम जिम जिनके हाथों में जाने वाला है उन लोगों की वजह से नगर सेविका हम लोग से लड़ रही है। नगर सेविका को पता नहीं उनसे क्या फायदा है। साइड हो, साइड हो, साइड हो।